यहां राहुल गांधी कल पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर और उन्होंने क्या बात कह दी कि हम स्टेटहुड वापस ला के देंगे। इसके बाद बीजेपी इतनी परेशान क्यों हो गई? बीजेपी भी तो कह रही थी कि हां चुनाव करवाने के बाद स्टेटहुड हम वापस कर देंगे, तो फिर ये यहां पर कांग्रेस का ये वादा बीजेपी को इतना परेशान क्यों कर गया और इस वादे का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? शायद ज्यादा असर पड़ेगा, तभी तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, तभी तो इधर अमित शाह 10-10 सवाल पूछ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, राजीव जी, इस पूरी घटना को, कश्मीर को और कश्मीर में होने वाले चुनाव को एक अलग किस्म से देखने की जरूरत है कि ये चुनाव सरकार अपनी मर्जी से नहीं करा रही है, सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश के मुताबिक करा रही है। सरकार का इरादा ही नहीं था चुनाव कराने का। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को जो बाइफरकेट किया गया, ये उनका एक लंबा चौड़ा गेम रहा, वो भी धार्मिक आधार पर। परिसीमन भी हुआ, उसमें भी वो उन्होंने धार्मिक आधार पर डेमोग्राफी को अपने हिसाब से संतुलित करने की कोशिश की, और इन सब प्रयासों के बावजूद आज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर को के सामने रखें, वहां की जनता के सामने, और वोट मांगे। एक फर्जी वाला विकास है जिसको बोलने की जनता के सामने हिम्मत नहीं, क्योंकि वो फर्जी वाला विकास जम्मू कश्मीर से बाहर तो बोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता तो उसको देख रही है कि वो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है और कितना हुआ है, तो वो मुद्दा भी वो वहां परोस नहीं सकते। तो बीजेपी इस चुनाव में क्या करेगी? तो बीजेपी इस चुनाव में चुनाव में हार मान चुकी है, उसके बावजूद भी इसको लड़ते हुए दिखना है तो क्या करेंगे? तो जम्मू कश्मीर से बाहर के वोटरों को दूसरे चुनावों में कैसे पोलराइज किया जाए, इसके लिए जम्मू कश्मीर का हम इस्तेमाल कर लें। तो वो बीजेपी कांग्रेस का विरोध करते हुए अपना स्कोर करना चाहती है जम्मू कश्मीर से बाहर। यही कारण है, आपने सही कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में नहीं होकर दिल्ली में होता है। मतलब साफ है कि इनको देश की जनता को कुछ मैसेज देना है, कांग्रेस को बदनाम करना है, कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी साबित करना है। ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिल गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ये है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उस एजेंडे को मानते हैं? ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, सवाल वैसे बनता है अगर दोनों के बीच में राजनीतिक समझौते के बाद कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आता है, तो ये सवाल बनेगा कि आखिर दोनों पार्टियां अलग अलग बोल रही हैं तो जीतने के बाद क्या करेंगे। ये सवाल तो आंध्र प्रदेश में भी बना था ना, जब तेलुगु देशम ने मुसलमान आरक्षण की बात की थी, जो बीजेपी की इस नीति के खिलाफ है, और बहुत सारी बातें जो अल्पसंख्यकों के लिए टीडीपी का मुद्दा था, एजेंडा था, वो बीजेपी का नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो लोग लड़े। तो ये बात जम्मू कश्मीर में भी आती है, भाई आपने पीडीपी के साथ में मिलकर सरकार बनाई थी तो पीडीपी का क्या एजेंडा था? पीडीपी तो जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स मारे जाते थे उनको वो शहीद बोलती थी, और आप आतंकवादी बोलते थे, और फिर भी आप सत्ता में मिल करके थे, उस दौर को कौन याद करेगा? उसको भी याद करना चाहिए। तो ये राजनीतिक रूप से, जब से, एक तो बात ये है कि राहुल गांधी का जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर समान रूप से लोकप्रियता है, ऐसी लोकप्रियता स्टेट लेवल के लीडर्स में भी अब नहीं रह गई है। चाहे कोई भी नेता का नाम ले लीजिए, पीडीपी का ले लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ले लीजिए, बीजेपी का ले लीजिए, किसी का भी, तो कांग्रेस की प्रेजेंस दोनों जगहों पर है, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मतलब लार्जर देन स्टेट बोलिए वहां पर इमेज बनी हुई है। तो इस इमेज से भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, और ये जो राहुल गांधी का दौरा हुआ, उस दौरे में जो एनर्जी दिखी, उस दौरे में जो इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि हमारा अंदरूनी सर्वे कहता है कि हम 45 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, जिसका मतलब है कि थोड़ी बहुत भी अगर
कोई उम्मीद बीजेपी के लिए बनती है सत्ता में लौटने की, तो उसको हम पैदा ही नहीं होने देंगे। गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और हम जीत करके आएंगे और सरकार बनाएंगे। ये रणनीतिक तौर पर स्पष्ट करने के बाद बीजेपी की घबराहट बढ़ गई है, तो अब वो नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, कोई पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं कि आप चुनाव के बाद जीतने के बाद क्या करने वाले हैं, वहां की जनता को क्या सहूलियत देने वाले हैं, रोजगार के कौन से अवसर लाने वाले हैं, कि जो घाव जम्मू कश्मीर को लगा है उस घाव को कैसे दूर करने वाले हैं, ये सारे कोई योजना पॉजिटिव उनके पास है नहीं। तब वो क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव कैंपेनिंग कर रहे हैं कि कांग्रेस ऐसी थी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी थी, ये दोनों का गठजोड़ खतरनाक है। ये नेगेटिव कैंपेन करके वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को कबूल कर रही है, और इससे जो फायदा वो डेमोग्राफी ये धार्मिक आधार पर हिंदू मुस्लिम करके जो फायदा वो उठाने की उसकी प्रवृत्ति रही है, वो प्रवृत्ति ही उनको दिखता है कि जल आग जला करके जो कुछ राख से भी कुछ उठा लो वो चाहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक अलग तरह की प्रवृत्ति, अलग तरह की राजनीति यहां पर दिखाते हुए बीजेपी की तरफ से भारत को। लेकिन अभी पिछला जो चुनाव बीता हुआ चुनाव, उसमें भी एक कैंपेन बीजेपी ने लॉन्च किया था, आपको याद होगा, यूक्रेन के वार को रुकवा दी, पापा ने वार रुकवा दी, ये सुना होगा आपने। हालांकि ये उल्टा पड़ गया था और इस कैंपेन को वापस लेना पड़ा था। लेकिन अब इस वक्त जबकि देश में चुनाव है, मोदी जी का उन राज्यों में शायद बीजेपी के कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त विदेश जाना, इसलिए मैं समझना चाहता हूं कि क्या इसका इसके तार इन विधानसभा चुनावों से जोड़े जा सकते हैं, क्या बीजेपी को इन यात्राओं का फायदा होने वाला है या होता आया है, क्या कुछ दिखाई देता है इन यात्राओं से, नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं से देश की राजनीति, उसमें भी बीजेपी की राजनीति पर कितना असर पड़ता हुआ देखते हैं आप? जी जी देखिए राजीव जी, ये कोशिश तो हो ही रही है ये बताने की कि जो अब तक नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। युद्ध चल रहा है और युद्धरत राष्ट्र के बीच नरेंद्र मोदी ट्रेन से पहुंच गए हैं और भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो वहां पहुंचे हैं। इस पूरी चीज को इसी तरीके से दिखाया जा रहा है। पर जो बयान जारी हुआ है दोनों की तरफ से, जेलेंस्की और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, उसको अगर पूरा हम पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से 32 पॉइंट हैं उस पूरे बयान में, लेकिन उस बयान में ये है शांति के लिए सहयोग और इस तरह की बातें हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई बात नहीं है जिसको हम उपलब्धि के तौर पर बता सकें या भारतीय जनता पार्टी बता सके या सरकार बता सके। उस साझा बयान में कोई उपलब्धि वाली बात नहीं है सिवाय इसके कि साझा बयान हुआ है। अब यात्राएं तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत की हैं, किसी भी प्रधानमंत्री के मुकाबले सबसे ज्यादा की हैं। हर यात्रा में यही कहा गया कि वो बहुत सफल यात्रा और देश के लिए फायदेमंद यात्रा, तो वो प्रचार तो इस बार भी है। मगर अब जनता को जो उम्मीद पहले हुआ करती थी अब जनता तोलने लगी है, तो उस हिसाब से देखें तो कंक्रीट बताना पड़ेगा कि यूक्रेन जाकर के हमने हासिल क्या किया है, शांति में कोई भूमिका निभाई है क्या। देखिए भारत की जो स्थिति है वो अतीत में हमारी जो डिप्लोमेसी रही है उस डिप्लोमेसी के कारण भारत का महत्वपूर्ण स्थान है, महत्व है। अब नाटो के देश और यूक्रेन के साथ है, रसिया के खिलाफ उस वजह ही हुई है नाटो की मेंबरशिप, रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई, लेकिन रूस और चीन के बीच नजदीकी, इसके समांतर यूक्रेन और नाटो का एक साथ खड़ा होना, भारत को देखें तो भारत का चीन के प्रति एक जाहिर है दुश्मन वाला पोजीशन है, व्यापार भी है, दोनों चीजें विडंबना है, लेकिन चीन और पाकिस्तान का एक साथ खड़ा हो जाना, इन सब स्थिति में भारत को एक बैलेंसिंग अप्रोच अपनानी पड़ती है। उस बैलेंसिंग अप्रोच पर हम फक्र कर सकते हैं, ये हमारा अतीत रहा है कि हम किसी खेमे में नहीं जाएंगे और हम उसको कैरी कर रहे हैं। तो ये सिचुएशनल है जिसमें कि भारत की भूमिका बनती है, लेकिन उस भूमिका का निर्वाह क्या हो रहा है, वॉर रुकवा देने जैसी बात से क्या हमारी भूमिका बनेगी,
ये इम्पोर्टेंट बात है। और इस चुनाव में हमें लगता नहीं कि उसका उस रूप में कोई बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि कोई अचीवमेंट लेकर के नरेंद्र मोदी वहां से आ रहे हैं ऐसा नहीं, सिवाय ये कि हिस्टोरिकल प्रेजेंस है वहां, वो कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गए नहीं तो वो वहां गए। दूसरी बात यह है कि भारत का जो अंदरूनी चुनाव है, चाहे भी तत्काल जम्मू कश्मीर और हरियाणा का, तो ये इस बात पर निर्भर करने वाला है कि आपकी डिलीवरी क्या रही। भाई जम्मू कश्मीर में भी जवाब बीजेपी को ही देना है कि आपने क्या दिया, और हरियाणा में भी जवाब बीजेपी को ही देना है कि आपने क्या किया। तो वहां पर अगर बीजेपी जवाब देती है तो उसको क्वेश्चन में किया जाएगा, और कांग्रेस पार्टी तो क्वेश्चन कर भी रही है, और जो बीते समय में लोकसभा चुनाव हुए, हरियाणा तो अपने आप में एक प्रश्न बना हुआ है, महिलाओं के लिए सवाल बना हुआ है, किसानों के लिए सवाल बना हुआ है, बेरोजगारी का सवाल है, और अभी जो सर्वे आया मोदी मीडिया का उसको भी अगर हम देखते हैं तो पॉपुलैरिटी में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत डिप हुई है, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, फासला बहुत कम रह गया है दोनों के बीच में। इसके अलावा मुद्दों के आधार पर उन्हीं वही सर्वे बताते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई और बाकी इस तरह के जो मुद्दे हैं जोड़ के लगभग 64% 65% बनता है जो मुद्दों के आधार पर सरकार के खिलाफ लोग खड़े हैं। तो जो इलेक्शन के रिजल्ट्स भी थे 2024 में वो यही बताते हैं कि लगभग 60-40 आज की स्थिति में मतलब 10-7-3 के हिसाब से बटा हुआ दिखता है कि एक और सीट उनके साथ में एक या दो सीट घट जा सकती है, तो 6 या 7 मान लीजिए, यानी एक जो बीजेपी के प्रति एक दूरी बनी है, लोगों का गुस्सा बढ़ा है, ये नजर आता है गोदी मीडिया के सर्वे में, जो कि और डिस्टेंस होगा, और कांग्रेस बहुत आराम से हरियाणा का चुनाव अभी आज की तारीख में जीतती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में तो हमने पहले भी कहा कि कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी जम्मू और कश्मीर में किसी भी पार्टी के मुकाबले ज्यादा हो गई है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में युति बनने के बाद अब वहां बीजेपी टक्कर में भी नहीं रह पाएगी। जम्मू के कुछ इलाकों में जरूर बीजेपी टक्कर में रहेगी, लेकिन जम्मू में कांग्रेस मजबूती से परफॉर्म करने वाली है, ये एक नई बात होगी, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी रही उसमें कश्मीरी पंडितों का के साथ भी न्याय नहीं हुआ, जम्मू के लोगों ने भी 370 हटने के बाद उसकी दुश्वारियों को झेला है। तो वहां ऐसा नहीं कि केवल मुसलमान ही 370 हटने के बाद में उसका विरोध कर रहे हैं, वहां के लोकल लोग भी विरोध कर रहे हैं, और पूरी नीति पर सवाल है। और 300 ये जो बात 10 पॉइंट में अमित शाह ने उठाई है वो क्या है, क्या अलग झंडा रहते समय वो भारत का हिस्सा नहीं था जम्मू कश्मीर, क्या 370 रहते हुए भारत का हिस्सा नहीं था जम्मू कश्मीर? तो ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं वो सब इतिहास का हिस्सा है, और वो 370 के तहत जो भी डाइल्यूशन हुआ है रूल्स का, वो रूल्स का डाइल्यूशन एक समय से लगातार होता रहा है। जो हरि सिंह के साथ में एग्रीमेंट हुआ वो एग्रीमेंट तो एक उसी रूप में बना नहीं रहा, वो परस्पर विश्वास से उसको डाइल्यूट किया जाता रहा, लेकिन इस बार आपने जबरदस्ती उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की है, तो जनता का गुस्सा है, उसको जवाब देना पड़ रहा है। तो देशी नीति विदेशी नीति आप जो भी देखिए, ये साथ लेकर चलने और विश्वास जगाने वाली नीति नजर नहीं आती है। इस कारण से हमें नहीं लगता कि विदेश जाने से भारत नरेंद्र मोदी के भारत में जो उनकी छवि खराब हुई है, पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरा है, उसमें कुछ डैमेज कंट्रोल होगा, इसकी संभावना हमें कम लगती है। जी आशा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।